नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। एक और दबंग कोटेदार की दबंगई देखने को मिला ग्राम सभा दमदम प्रतापगढ़ में। ग्राम सभा दमदम के कार्ड धारकों ने जब सस्ते सरकारी गल्ले की दुकान पर अपना राशन लेने जाते हैं तो दबंग कोटेदार ने एक यूनिट पर 2 किलो राशन को काटकर पैसा पूरा लेता है। जब कार्ड धारकों ने इसका विरोध किया तो दबंग कोटेदार ने गुस्से में आकर यह कहते हुए बोला कि हम अधिकारियों को नीचे से ऊपर तक पैसा देते हैं, अगर हम 2 किलो काटेंगे नहीं तो अधिकारियों को पैसा कहां से देंगे। कार्ड धारकों ने सप्लाई इंस्पेक्टर प्रतापगढ़ अनिल कुमार से शिकायत की। सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच किया तो 44 बोरी गेहूं, 5 बोरी चावल भंडारण में कम पाया गया। जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट एसडीएम रानीगंज प्रतापगढ़ को दिए। एसडीएम रानीगंज ने कोटेदार से मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की। ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मंडल ब्यूरो चीफ प्रयागराज रमेश पासी की रिपोर्ट। यह है कोटेदार यूनिट से। कौन है कोटेदार? कोटेदार का नाम है राम निहोर, ग्राम सभा दमदम। उनका मतलब हमने जिसे किसी व्यक्ति का 6 यूनिट गल्ला है उसे 5 यूनिट ही गल्ला मिलता है, किसी का 10 यूनिट है तो उसे 9 यूनिट ही गल्ला मिलता है। जब वहाँ जाता कहोगे हमको दे दीजिए भैया, कहीं गल्ला मैं आपको नहीं दूंगा, आपको जो करना हो कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे अपना। कंप्लेन मैंने किया था 10/76 कंप्लेन किया हूँ। उसके बाद मैं डीएम साहब से डायरेक्टली बात हुई हमारी, उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर जी ने आया, जांच किया, जांच में जो रिपोर्ट आई है जो उन्होंने पेपर में अवगत कराया गया है उस पेपर के अनुसार 44 बोरी गेहूँ, 5 क्विंटल गल्ला कम पाया गया है जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर अनिल कुमार जी ने रिपोर्ट दी है। आपका नाम क्या है? महेश शर्मा है। और क्या है आपका? मतलब राशन 5 किलो काटता है। इसलिए काटता, क्या कहता है काटने पे? काटने पे तो बहुत उल्टा सीधा बोलता है, क्या बोलता है? कहता है कि इतना लेना हो ले, नहीं जो करना हो जाओ करो, पैसा देते हैं अधिकारियों को जो है और जो करना हो तुम्हारा करो। किसको देता है पैसा कोटेदार? वो बोलता है सब जगह देते हैं। अब नाम तो नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है, यही बोलता है अधिकारी सब पैसा लेते हैं और इतना राशन हमको कम मिलता है, मैं ऐसे ही दूंगा, लेना हो ले नहीं जाओ। आप नाम क्या है माता जी? क्या मेरा आरोप क्या है आपका? कितना कम पावर है? 5 किलो कितना? अभी कम पाती है? हमारे यहाँ 8 किलो देता है। क्या नाम है? आरोप क्या है आपका? राशन कम देता है और झगड़ा कम देता है तो वहाँ से पूरा काट लेता, पैसा भी ज्यादा लेता है। इनके भाइयों का आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र यादव पार है। आरोप क्या है आपको? आरोप ये है कि हम लोग जो हमारे क्षेत्र की महिलाएं और बुजुर्ग नौजवान जो भी बाहर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रह करके या बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से उम्मीद और आस लगा के बैठते हैं कि जब कोटेदार के माध्यम से मुझे गल्ला मिलेगा तो गल्ला लेके जाएगा तो बनाएगा खाएगा ताकि पढ़ने पढ़ान करने में कोई दिक्कत न हो। यहाँ के जो दमदमा के क्षेत्र के राम निहोर जी कोटेदार, हम लोगों ने उस दिन सचिन मोरा जी के माध्यम से आया एसडीएम साहब से बात करके, एसडीएम साहब जब फोन से बात हुई तो एसडीएम साहब कहे ठीक है मैं इसके खिलाफ जांच करवाता हूँ, जांच करवाने के बाद जो सत्यता तथ्यात्मक जो कार्रवाई होगी मैं उचित कार्रवाई करने के लिए जांच करने के बाद मैं कार्रवाई करूंगा। आपका नाम क्या है? आरोप क्या कोटेदार पे आपका?